हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ एक बार फिर साधारण ब्याज लेकर। साधारण ब्याज का ये पार्ट टू है। अगर आप लोगों ने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बलबीर 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया, 4 वर्ष बाद सूद के साथ लौटा दिया, यदि वह कुल 7,000 रुपया लौटाया तो मूलधन क्या होगा। हमारा पूछा क्या है, मूलधन क्या होगा, P बराबर व्हाट। ठीक, देखते हैं क्या क्या हम लोग को गिवन दिया है। ठीक है, हमारा सबसे पहले दे दिया है R परसेंट क्या दिया है, 10% दिया है। फिर टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है चार वर्ष। इसके बाद क्या दिया हुआ है, बोल रहा है वह सूद के साथ लौटा दिया, वह कुल 7,000 रुपया लौटाया। देखिए इसमें हम देखते हैं, हम लोग जानते हैं जब सूद के साथ लौटा देता है, सूद मतलब क्या होता है, SI ब्याज और प्लस P यानी मूलधन, दोनों साथ में लौटा दिया। तो जो दोनों जब साथ में लौटा दिया तो ये क्या बनता है, दोनों मिलाकर अमाउंट बनता है, मिश्रधन बनता है। अगर मिश्रधन बन गया यानी मिश्रधन हमारा दिया हुआ है 7,000, यही हम जानते हैं। अब देखते हैं आगे, तो मूलधन कितना होगा। तो मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि टी और आर जब दिया हुआ रहता है, तो जानते हैं कि SI बराबर R into T होता है। ये हम लोग पिछला वीडियो में ड्राइव किए थे, SI बराबर R into T होता है। तो R हमारा क्या दिया है, 10%। टाइम क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष, यानी 10 × 40, यानी ये 40% क्या है, ब्याज है, सिर्फ ब्याज है, ना कि अमाउंट है। ठीक है, ना कि क्या है, अमाउंट है। अब देखिए अमाउंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि P मूलधन जो होता है, ये मूलधन अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। मूलधन क्या होता है, अपने आप का 100% होता है। तो मूलधन 100% और ब्याज 40%, तो टोटल क्या बन गया, 140। ये क्या बन गया, 140 बन गया, यानी 140 ये क्या है, अमाउंट है, यही अमाउंट है, यानी यही मिश्रधन है। ये मिश्रधन का मान हमारा क्या दिया है, 7,000 दिया है। ये मिश्रधन का मान क्या दिया है, 7,000, यानी 140% का मान क्या दे दिया है, 7,000 दे दिया है। ठीक, तो एक का मान सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो 7,000 बटा में 140, इसको काटते हैं, 0 0 कट गया, 14 × 5 = 70, ये 50 आ गया, यानी एक का मान क्या निकल गया, 50। हम लोग का निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। तो 50 को 100 से गुना कर देंगे, यानी ये क्या निकल गया, 5,000, ये P हमारा निकल जाता है, 5,000 हमारा आंसर निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 360 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 435.60 रुपये हो गई तो 5.5 वर्ष में 700 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए हमारा क्वेश्चन में जैसे ही बोल रहा है, यदि 360 रुपये की धनराशि, यानी P क्या है, P है 360 रुपया, 3 वर्ष में, यानी टाइम क्या दिया है, 3 वर्ष में, और 435.60 रुपया हो गया। हो गया का मतलब क्या हुआ कि ब्याज और मूलधन दोनों मिला के वो हो गया, यानी दोनों जब मिल जाता है, ब्याज और मूलधन, तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है, यानी अमाउंट क्या है, 435.60 रुपया। ठीक है, 435.60 रुपया। अब देखिए हो गई तो 5.5 वर्ष में 700 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं, ये तो दूसरा स्टेटमेंट है 5.5 वर्ष वाला, पहले इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग को क्या नहीं दिया है, देख रहे हैं एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि R नहीं दिया है। तो R हम लोग को निकालना है सबसे पहले, ठीक है, तब ना आगे वाला स्टेटमेंट निकलेगा। अब देखते हैं ये अमाउंट दिया है, तो अमाउंट को अगर हम P से माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, SI निकल जाता है ना। अगर हम मिश्रधन को मूलधन से माइनस कर देते हैं तो सिर्फ ब्याज निकलेगा, ब्याज निकल जाता है। तो इसको ब्याज पहले निकाल देते हैं, 435.60 को
माइनस करते हैं 360 से, इसको जब माइनस करते हैं तो निकल जाता है हमारा 75.60। जब इसको माइनस करेंगे तो 75.60 क्या निकला, ये हमारा SI निकला, सिर्फ ब्याज निकला इसका, सिर्फ क्या निकला, ब्याज निकला। रेट परसेंट निकालना है तो रेट परसेंट निकालने के लिए हम जानते हैं, रेट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, P इंटू टी। R निकालना है इसीलिए, तो इसको हम बैठाते हैं, SI क्या दिया है 75.60 इंटू 100 बटा P क्या था 360 इंटू टाइम क्या है 3 वर्ष। ठीक, देखते हैं ये पॉइंट को जब हटाएं तो नीचे 20, ये 100 कट गया, काटते हैं इसको, 10 कट गया। अब काटते हैं 12 का टेबल से, 12 × 36 इसको काटते हैं, 12 × 72 12 × 36। ठीक, 63 बार में कट गया। फिर से काटते हैं 3 का टेबल से, 3 × 2 = 6 3 × 1 = 3 फिर इसको काटते हैं 3 से, 3 × 7 = 21 यानी सिर्फ क्या बचा 7, यानी रेट परसेंट क्या आ गया हमारा 7%। ये हम रेट परसेंट ड्राइव कर लिए। अब अगला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अगला स्टेटमेंट बोल रहा है तो 5.5 वर्ष में 700 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी, 700 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो हमारा अब P2 क्या दिया है 700 रुपया और टाइम क्या दिया है 5.5 वर्ष 5.5। ठीक, तो हम लोग जानते हैं और R परसेंट हम लोग का निकल ही गया है तो P × R × T वाला में बैठा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, धनराशि कितनी होगी, ठीक है 700 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी हम लोग को निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। देखिए सबसे पहले निकालते हैं SI बराबर क्या होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100। तो P क्या है, P हमारा क्या है 700 × T क्या है 5.5 और R क्या है 7/100। ये 00 कट गया, इससे 10 आया तो हम लोग काट सकते हैं 5 के टेबल से, 11 × 55 5 × 2 = 10 यानी 7 × 7 = 49 49 को अगर 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4949 यानी 935 539 / 2 ये निकल जाता है हमारा SI। अगर हम इसको पॉइंट में निकालते हैं तो पॉइंट में निकालते हैं तो क्या होगा, 2 × 2 = 4 1 बचा 2 × 6 = 12 1 बचा 2 × 9 = 18 2 × 5 = 10 ये निकल जाता है सिर्फ SI। ये क्या निकला, SI निकला। और हमको निकालने क्या बोल रहा है, धनराशि कितनी हो जाएगी, तो हम लोग T से जोड़ देते हैं, तो P से हम लोग जोड़ दिए 700 रुपये जोड़ दिए तो क्या बन गया 7 × 2 = 900 यानी 969.5 यही हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में, हमारा टाइम पहले ही पूछ दिया है, कितने समय में 6% वार्षिक दर से 900 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 रुपये का 8 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले बोला कितने समय में, यानी हमको जान गए हैं कि टाइम हमारा निकालना है। अब देखिए 6% वार्षिक दर से रेट परसेंट क्या दिया है, पहला रेट 6%, ठीक है, उसके बाद 900 रुपया का साधारण ब्याज यानी P क्या दिया है 900 रुपया, P क्या दिया है 900 रुपया, उतना ही हो जाएगा जितना कि 540 रुपया का, यानी ये P1 है, P2 क्या दिया है 540 रुपया, ठीक, का 8 वर्ष में, यानी T2 भी दिया है, ये T1 था, T2 दिया है 8 वर्ष में, और रेट परसेंट 5% वार्षिक दर से, यानी R2 क्या दिया है 5% दर से साधारण ब्याज हो जाएगा। देखिए T1 दिया है, R1 दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, T2 दिया है और R2 दिया हुआ है, तो इसमें T1 निकालना है, टाइम निकालना है, तो हम लोग जानते हैं SI बराबर क्या होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100 होता है। देखिए SI बराबर हम लोग जानते हैं P
पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं, कैसे डायरेक्ट बैठाते हैं, ठीक है। देखिए पी वन आर वन टी वन बाई 100 बराबर पी टू इंटू आर टू इंटू टी टू डिवाइडेड बाई 100। इसमें हम लोग को टी वन निकालना है, तो पी वन क्या है 900 इंटू आर वन क्या है, आर वन है 6% और टी वन हमको निकालना है, टी वन हमको निकालना है बाय 100। अब देखिए आगे क्या दिया, पी टू, पी टू क्या दिया है 540, आर टू क्या दिया है 5% और टी टू क्या दिया है 8 वर्ष बटा में 100। देखिए बीच में बराबर है, इसको इधर इधर से काट सकते हैं कि नहीं, यानी ये 100 ये 100 कट गया। अब इसको ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर है, बराबर जब रहता है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे हम लोग काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 1010 काट दिए, 1010 काट दिए, 6 से काटते हैं, 6 9 54 ये 9 बार में कट गया। अब देखिए इसको काटते हैं 9 से 9 10 90 ये 10 बार में कट सकता है, कट जाएगा। अब देखिए इसको 5 के टेबल से 5 2 10 5 1 5 फिर 2 का टेबल से 2 1 2 2 4 8 यानी इसमें क्या बचा, कुछ नहीं, इसमें क्या बचा सिर्फ 4 बचा, यानी T1 इधर बचा और इधर बचा 4, यानी ये 4 वर्ष, यानी यही हमारा आंसर आ गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सरिता नरेश से कोई धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है और उसी धनराशि को 9% वार्षिक ब्याज दर से रमेश को दे देती है, मतलब 6% वार्षिक दर से लेती है और 9% से किसी और को दे देती है। तो यदि 3 वर्ष बाद वह 540 रुपया लाभ कमाती है, 540 रुपया लाभ कमाती है 3 वर्ष बाद, तो उसके लिए ऋण की धनराशि क्या होगी, मतलब वो ऋण कितना ली थी उस धनराशि को हमको निकालना है। तो देखिए सरिता ने, सरिता है, इसने नरेश को, सॉरी नरेश से 6% पर लिया और फिर सरिता ने किसी और को, किसको, रमेश को 9% पर दे दिया। नरेश से सरिता ने लिया 6% पर और 9% से रमेश को दे देती है। तो क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद 540 रुपया लाभ कमाती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि SI बराबर ब्याज बराबर R इंटू टी होता है। तो इसी में हम लोग बैठाएंगे, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 9% और 6% है, 6% से ले रहा है, 9% से दे रहा है, यानी 9% से ले रहा है, सॉरी दे रहा है उसको रमेश को, और 6% से लेती है, यानी ये 3% जो है लाभ कमा रही है सरिता, 3% क्या है लाभ कमा रही है सरिता, और इस 3% का मान जो लाभ कमाती है उसका दे रहा है 540। लेकिन ये तो 1 साल का है, हमारा 3 साल का दे रहा है, तो 3 साल के लिए क्या करते हैं, SI बराबर R इंटू टी होता है ना, तो R क्या दिया 3% और टाइम क्या दिया 3 वर्ष, तो 3 3 9 यानी 9% लाभ कमाती है। अब देखिए ये 9% का मान क्या दिया है 540, तो 1 का मान निकाल देते हैं, 1 का मान निकालने के लिए 540 बटा में 9 9 6 54 यानी 60, ये 1 का मान निकल गया। और हम लोग जानते हैं पी अपने आप का 100% होता है, तो 60 × 100 100 से गुना कर दिए, यानी 6000 रुपये इसका क्या है आंसर है, मूलधन है। अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन कहता है एक साहूकार को मालूम पड़ा कि ब्याज दर 4% से 3.3/4% होने पर उसी वार्षिक आय में 56 रुपये की कमी हुई, कितना कमी हुई 56 रुपये की कमी हुई, तो उसकी पूंजी क्या होगी। देखिए निकालने क्या बोला है, पूंजी यानी पी निकालने बोला है, पी हम लोग जानते हैं अपने आप का क्या होता है 100% होता है, अपने आप का 100% होता है, इसमें बोल रहा है 4% से 3.3/4% हो गई, 4% से 3.3/4% हो गई, यानी कितना का कमी हुआ देखते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर हम लोग को पता चलता है 3 × 12 3 15/4, इसको माइनस करते हैं 4 × 16
माइनस 15 बटा में 4 यानी 1/4% की कमी हुई, 1/4% की कमी हुई, और यही 1/4% का मान दे दिया है 56। तो यहाँ 1/4 का मान दे दिया है 56। तो 100% का मान निकालना है, क्यों? क्योंकि P का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसका पहले ये 100 से गुना करते हैं, ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा 4, तो इसको गुना करते हैं, ठीक है। 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, 2 × 22 यानी 22,400 हमारा आंसर निकल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कहता है कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है, 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। देखिए हम लोग को निकालना क्या है, 8% निकालना है, ठीक है। और टाइम दे दिया है हमारा 25 वर्ष। इसमें बोल रहा है कोई भी धन है ये 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है, 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है। जब भी इस तरह गुना वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, n-1 × 100 / टी या फिर आर जो दिया हुआ रहे, ठीक है। तो इसमें बैठाते हैं n बराबर तिगुना यानी 3-1 × 100, और हमारा क्या दिया है r की t दिया हुआ है और r निकालना है यानी r बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा 25 × 100 और ये 3-1 × 2 × 4 ये हो जाएगा 2×4 = 8% आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000 रुपये की धनराशि 7,200 हो जाती है, यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाती है तो मिश्रधन क्या होगा। हमारा पूछा है अमाउंट मिश्रधन। देखिए साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, पहला टाइम दे दिया है 4 वर्ष, कितना हो जाता है 6,000 रुपये की धनराशि, मतलब पी दे दिया है हमारा 6,000, 7,200 रुपया हो जाती है, यानी 4 वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जाता है 7,200 रुपया हो जाता है, ठीक है। यानी अगर हम SI निकाले इसका अगर SI निकाले तो हम लोग जानते हैं कि A - P कर देंगे अगर तो SI निकल जाएगा, तो अमाउंट कितना है 7,200 - 6,000, तो ये हमारा निकल जाता है 1,200 SI, ये 1,200 SI हमारा दे दिया, ठीक है। अगर हम रेट परसेंट निकालते हैं, इसमें रेट परसेंट निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि SI × 100 / P × T हो जाता है रेट परसेंट के लिए। तो इसी में हम लोग बैठा देते हैं, ये 1,200 × 100 / P कितना है, पी हमारा 6,000 है, 6,000 × T कितना था 4 वर्ष, ये 4 वर्ष, ये 2,020 यहाँ से कटा, 1,010 कटा, 6×2 = 12, 20, 4×5 = 20 यानी हमारा पहला परसेंटेज क्या था, ये 4% था यहाँ, सॉरी 5% था। अब क्या बोल रहा है, अगर ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाती है, 2% अगर बढ़ा दें तो 5% रेट परसेंट था, रेट परसेंट क्या है 5%, इसमें 2% बढ़ा दिए यानी 7% हो गया। यही 7% पर बोल रहा है कि मिश्रधन अब क्या हो जाएगा, तो 6,000 रुपया का 7% के दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या है 2,020 कटा, 7 × 28, 28 को 6 से गुना करते हैं, 6×8 = 48, 4 × 6 = 12, 13, 14, 15, 16 यानी 1,680 यानी 1,680 रुपया सिर्फ ब्याज निकला। हमारा पी क्या था 6,000 में 1,680 जोड़ देते हैं तो क्या होगा 7,680 रुपया, ये हमारा बाद का अमाउंट निकल जाता है, बाद का अमाउंट निकल जाता है, यही हमारा आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि 12 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, 12 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। कोई भी धनराशि है जो, मतलब जैसे कि मान लीजिए 100 रुपया है, वो 5 गुनी का मतलब 500 रुपया हो जाता है, ठीक है।
12 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो वही धनराशि 8 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिले तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं T1 हमारा क्या दिया है, 12 वर्ष। ठीक, इसके बाद दिया है 5 गुनी हो जाएगी, यानी N1 बराबर क्या दे दिया है, 5। इसके बाद देते हैं T2 बराबर 8 वर्ष और N2 हम लोग को निकालना है। ठीक है, T1 दे दिया 12, N1 5, T2 दिया 8 और N2 हम लोग को निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए T2 बराबर N2 माइनस 1 बटा N1 माइनस 1 इंटू T1, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में ये फॉर्मूला में आप बैठाइए, बहुत ही आसानी तरीका से इसका आंसर निकल जाता है। देखिए T2 क्या है, 8 वर्ष बराबर N2 हम लोग को निकालना है, तो N2 को N2 ही रहने देते हैं, माइनस 1 बटा N1 क्या है, N1 है 5 माइनस 1 इंटू T1 है 12, इसको माइनस करते हैं तो 4 आ जाएगा, N2 माइनस 1 बटा ये 4 इंटू 12 इधर 8, इससे इसको काट सकते हैं, 4 × 12 ये 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 3n 8 बराबर ये 8 यहाँ है ना, 3n माइनस 3। ठीक, अब देखिए ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या है, देखिए इधर जाएगा प्लस में, 8 × 3 = 11 बराबर 3n। अब ये देखिए ये गुना में है, इधर जाएगा भागा में, यानी 11/3 N2 का मान हो गया, इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो N2 बराबर हो जाएगा 3×9 2/3, 3×9 = 11/3, इतना गुना आंसर हो जाएगा। ठीक है, N2 का मान ये आ गया आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 4000 रुपये पर पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए, यानी अगले वर्ष, अगले कितने वर्ष देखते हैं, अगले वर्ष के लिए 5% वार्षिक है, इस धन पर 11 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा। टोटल हमारा क्या दे दिया, टोटल ईयर 11 वर्ष। ठीक है, टोटल ईयर 11 वर्ष, देखते हैं 4000 रुपये पर, यानी पी हमारा क्या दिया है, 4000। ठीक, ब्याज दर की 3%, यानी पहले 4 वर्ष के लिए, हम लोग जानते हैं SI बराबर क्या होता है, R × T होता है, SI बराबर R × T होता है, इसी फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए कैसे, पहले 4 वर्ष के लिए, यानी 4 वर्ष टी हो गया 3% की दर से। ठीक, इसके बाद क्या दे रहा है, प्लस करके अगले 3 वर्ष में, अगले फिर 3 वर्ष में कितना परसेंट है, 4%, फिर अगले वर्षों के लिए, यानी टोटल 11 वर्ष है हमारा, कितना वर्ष हो गया, एक बार 4 वर्ष लिए, एक बार 3 वर्ष लिए, यानी 4×3 = 7 और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 वर्ष, अगला 4 वर्ष फिर बचा तो 4 वर्ष के लिए 5%, ये 5% हो गया। ठीक है, यानी टोटल हमारे SI क्या निकला देखते हैं, इसमें 4×3 = 12 प्लस 3×6 = 12 प्लस 4×5 = 20, ये टोटल परसेंट हमको दे देता है SI का, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 44 आ गया, यानी ये 44% क्या है, सिर्फ SI का मान है, सिर्फ SI का मान है, और P हमारा दिया है इतना 4000, यानी P हम लोग जानते हैं अपने आप का 100% होता है, और इसी का मान दे दिया है हमको क्या, 4000 दिया है, अपने आप का 100% इसी का मान दिया है 4000। अब हम लोग SI पता चल गया कि SI 44% होना चाहिए, SI 44% होना चाहिए, हम लोग निकालने क्या बोला है, मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं P प्लस SI होता है, तो P का मान अपने आप का 100% होता है प्लस SI क्या है 44, यानी टोटल 144% होना चाहिए, यानी देखिए 100% का मान दे दिया 4000, तो हम लोग निकालना क्या है, 144% का मान निकालना है, तो 144% का मान निकालेंगे किस तरह, देखिए 4000 इंटू ये 144 ऊपर में चला जाएगा बटा ये 100 नीचे आ जाएगा, इसको 0 0 काट देते हैं,
जीरो जीरो कट गया। अब एक सौ चवालीस को 40 से गुना कर देते हैं, तो गुना करते हैं तो कितना आएगा, चार चौके 16, चार चौके 16 एक 17 और ये चार कम चार एक पाँच, ठीक है, एक जीरो यहाँ लग गया, यानी यही हमारा आंसर आ जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, वह 8 वर्ष बाद मूलधन से 340 रुपये कम ब्याज पाया, तो मूलधन ज्ञात करना है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। देखिए पी हमको ज्ञात करना है, इसमें हमारा दिया क्या क्या है देखते हैं। रेट परसेंट दे दिया है 4%, ठीक, टाइम दे दिया है 8 वर्ष, टाइम दिया है 8 वर्ष। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि मूलधन से 340 रुपये कम ब्याज पाया, यानी साधारण ब्याज जो है ये कितना पाया, मूलधन से 340 रुपया कम पाया। मूलधन हमारा पी है, हमको नहीं पता है तो पी मान लिए, पी माइनस 340 यही हमारा ब्याज इसको पाया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है, होता है, तो इसी फॉर्मूला में हम लोग बैठा देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले इधर लिखते हैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए, है ना, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। P के जगह पर P, यानी P हमारा नहीं दिया है तो P हम रख दिए, R का मान दिया हुआ है, R का मान क्या है 4, T का मान क्या है 8 बटा में 100 बराबर हम SI लिख सकते हैं, ठीक है। तो SI का मान क्या है, SI का मान हम लोग P माइनस 340 दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए 4 8 32 यानी 32 पी बटा में 100 ये हो गया बराबर पी माइनस 340। ये देखिए ये बराबर के उस साइड है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इधर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 32 पी बराबर ये 100 पी माइनस 34000। जब इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। अब ये पी है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो इसको माइनस करते हैं, यानी 68 पी बराबर 34000, ठीक। ये देखिए गुना में है, इधर जाएगा भागा में होगा तो भागा करते हैं इसको 34000 डिवाइडेड बाई 68, ठीक, पी बराबर, तो इसको काटते हैं 34 1 जा 34 और 34 2 जा 68, यानी यहाँ कितना आ गया 1000। अब देखिए 2 से काटते हैं ऊपर वाला को, 2 5 जा 10 यानी 500 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। चलिए हमारा SI का वीडियो यही ये समाप्त होता है, ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 आप लोग को बहुत जल्द लाया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।